जो आपने एक पावरफुल नंबर्स ये बार दिए हैं उनका अगर आप ओवरव्यू हमें दे सके तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू सीएनबीसी एंड ऑल द दर्शक व्यूअर्स ऑफ द सीएनबीसी। बेसिकली जस्ट फॉर विनस पाइप के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। विनस पाइप गुजरात बेस्ड कंपनी है जो एसएस पाइप मैन्युफैक्चर करती है वेल्डेड और सीमलेस पाइप कैटेगरी में। और ये अपना आफ्टर आईपीओ फर्स्ट क्वार्टर था जिसमें अपन ने मतलब ये अपन विनस पाइप का एक्सपांशन का प्लानिंग है, वो अभी एक्सपांशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। पर 8% कंपनी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रा है उससे वर्क कर रही है, और इवन उसके बाद भी कंपनी ने क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है। तो इस साल का जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो ऑलमोस्ट 113 CR था, और इबिटा लेवल पे 14.5 CR की इनकम हुई थी, और पीबीटी लेवल एट 12.2। जो अपन ईयर टू ईयर ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो इबिटा लेवल पे 55% की ग्रोथ थी, पीबीटी लेवल पे ऑलमोस्ट 34% की ग्रोथ थी, और पेट लेवल पे ऑलमोस्ट 33% की ग्रोथ थी। और सेम अपन अगर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करेंगे इसको तो क्वार्टर टू क्वार्टर अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अपनी ऑलमोस्ट 3% की ग्रोथ थी, ईबिटा लेवल पे ऑलमोस्ट 6% की ग्रोथ थी, पीबीटी लेवल पे ऑलमोस्ट 9% की ग्रोथ थी, और पेट लेवल पे ऑलमोस्ट 12% की ग्रोथ थी। अगर हम देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम सीमलेस पाइप्स और वेल्डेड पाइप्स अगर देखते हैं तो साइमल्टेनियसली दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वेल्डेड पाइप्स में एक ज़्यादा आपने रेवेन्यू गेन किया है? कैसे है आपका मार्केट शेयर दोनों पाइप्स के लिए? ऑलमोस्ट हमारा कैसा है कि जो वेल्डेड पाइप की कैपेसिटी है 8% विनस पाइप है वो 1000 टन पर मंथ की कैपेसिटी पे रन कर रहा है, जिसमें सीमलेस पाइप की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 300 टन की है और वेल्डेड पाइप की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 700 टन की है। बट सीमलेस पाइप कैसा हो गया कि वो ज्यादा वेल्डेशन वाला और क्रिटिकल ऑपरेशन में यूज होता है, और कंपेयर टू वेल्डेड पाइप मतलब इसके प्राइजेस वगैरह ऑलमोस्ट 20% हायर रहते हैं। तो आप देखेंगे अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो सीमलेस पाइप में अगर हम अगर देखेंगे ऑलमोस्ट का क्वार्टर ईयर टू ईयर ग्रोथ आप देखेंगे तो अपना 17.5 CR का मेरा लास्ट क्वार्टर का था, अपना FY फर्स्ट क्वार्टर FY22 उसमें अपने 17.5 CR की टॉप लाइन अचीव की थी, वेरे जो इस क्वार्टर में अपन ने ऑलमोस्ट 45 CR की टॉप लाइन अचीव की है। और वेल्डेड पाइप सेगमेंट में देखेंगे तो लास्ट ईयर में अपना ऑलमोस्ट 47 CR का था टॉप लाइन, सेम अपने इस साल 61 CR किया है। तो अपना ग्रोथ दोनों में आया है, बट सीमलेस पाइप में इस साल अपना काफी बेटर ग्रोथ आया है क्योंकि सीमलेस पाइप में अपने एक्सपांशन किया था इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 21 में, जिसका इफेक्ट अपन को इस साल में देखने को मिला है अभी। साथ में मैं जो जानना चाहूंगी अरुण जी, कि अभी जैसे कि कमोडिटी प्राइस में अभी एक थोड़ी गिरावट आई है, आगे जाके आप क्या क्या देख रहे हैं? अभी भी आप इनपुट कॉस्ट में पेन देख रहे हैं, और आगे जाके कैसे आप आउटलुक रख के चल रहे हैं? थोड़ा आपको इंडस्ट्री में बताना चाहूंगा। ऑलमोस्ट जो विनस पे मैन्युफैक्चर करती है अपना ऑलमोस्ट मेक टू ऑर्डर होता है, ऑलमोस्ट अपने पास 3 मंथ्स की ऑर्डर बुक हमेशा रहती है। तो अपना जितने भी पाइप्स वगैरह अपन मैन्युफैक्चर करते हैं अगेंस्ट ऑर्डर ही मैन्युफैक्चर करते हैं, थोड़ा प्राइस का अपन को इतना इफेक्ट नहीं आता है क्योंकि अपना ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक रहती है। बट अभी ऑलमोस्ट प्राइस लास्ट ईयर के कंपेरिजन में अगर देखेंगे तो लास्ट 3 मंथ्स में एसएस पाइप कमोडिटी के ऑलमोस्ट 15% के आसपास प्राइस डाउन हुए हैं डेफिनेटली। तो उसके कारण मतलब बाजार में आप भी जानते हैं इन्फ्लेशन वगैरह काफी था, प्राइस भी काफी पीक हो गए थे ऑलमोस्ट 40% का। अगर आप कंपेयर करेंगे FY21 से तो लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 40% प्राइस इंक्रीज हुआ था, उसके सामने 15% का प्राइस रिडक्शन हुआ है। तो अभी हम सोचते हैं कि ऑलमोस्ट इस क्वार्टर में सारे प्राइस वगैरह स्टेबल हो जाएंगे, और प्राइस स्टेबल होंगे तो डेफिनेटली मतलब स्टेबल प्राइस देगा तो जितने भी कस्टमर का जो बाय करते हैं उन सबको भी फील सेफ की प्राइस वगैरह स्टेबल है। तो आगे के अगले 3 मंथ्स में देखते हैं कि प्राइस वगैरह काफी स्टेबल हो जाएंगे और डिमांड अच्छी रहेगी। तो आप मार्जिन का कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे, रेवेन्यू का कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे, और आपने बोला कि 3 मंथ्स की ऑर्डर बुक आप हमेशा रखते हैं, तो वो उसमें कुछ बढ़ोतरी देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अपना विनस पाइप का जो अभी आईपीओ अपन ने किया था उसमें मेन पर्पज अपना आईपीओ का जो था अपन एक्सपांशन कर रहे हैं, जो अपन प्रेजेंट कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1000 टन पर मंथ पे जा रहे हैं उसकी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज होकर आफ्टर एक्सपांशन 2000 टन की हो जाएगी पर मंथ की। और सारा जो कैपेसिटी एक्सपांशन है ये अपना लास्ट क्वार्टर ऑफ FY23 में कंप्लीट हो जाएगा। तो डेफिनेटली जब कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो अपनी रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह FY24 में उसके अकॉर्डिंग अपना इंप्रूवमेंट आएगा, रेवेन्यू ग्रोथ एज वेल एज द टॉप लाइन वगैरह में, और ऑर्डर बुक भी अकॉर्डिंगली अपनी इंक्रीज होगी क्योंकि अपन जो बास्केट इंक्रीज कर रहे हैं जो कैपेसिटी।